Now we will extend these qualities of leadership like communication, creativity, and responsibility. How they simultaneously work with our leaders. Good leaders, leader has the following qualities. Kon konsi bhai knows how to speak with different people. Kahan konsa lehja istemal karna hai? Kis tone mein baat karni hai? Kis se kis tamise se pesh aana hai? Kahan wo friends ke saath kuch frank bhi ho sakta hai? उसा के साथ मदद होना है और जो उसको लगता है कि ये पीयर्स कुछ मेरे से छोटे हैं या मेरे से थोड़े जूनियर हैं या उनको वो लीड कर सकता है तो उनसे किस तरह से थोड़ा असर्टिवली भी उसने बात करनी है एंड देन लसन्स इफ़ेक्टिवली वही बच्चा अच्छी बात कर सकता है जिसको लिसनिंग की आदत पड़ी हो ये लिसनिंग एबिलिटी भी क्लास के अंदर ही पैदा की जाती है और लिसनिंग प्रैक्टिस करवाई जाती हैं बच्चों को कि वो अच्छा सीखें सुनना सीखें सुनना सीखेंगे तो ही वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे इंटरनलाइज करेंगे और फिर बाद में उसको कहीं ना कहीं वो अमल दरामद करेंगे उस पर देन ट्रस्ट ब्लाइंडली अब ब्लाइंडली का मतलब ये है कि अभी वो बच्चे हैं छोटे हैं तो अगर जब तक वो ट्रस्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर और उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज होंगी कोई डर होगा कोई खौफ होगा तो वो एक दूसरे के करीब आ ही नहीं सकते और जब तक वो करीब नहीं आएंगे वो एक दूसरे को समझेंगे नहीं वो एक दूसरे की अच्छी बुरी लाइक्स को डिसलाइक्स को समझेंगे नहीं तो ऐसी सूरत में ट्रस्ट करना ज़रूरी है और बगैर किसी एनालिसिस के देन रिस्पांसिबल बच्चों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जैसे वी हैव टॉक्ट अर्लियर के अबाउट द अबाउट पेरेंट्स अबाउट एजुकेटर्स अबाउट देयर पीयर्स एंड अबाउट देयर एनवायरनमेंट फिर मोटिवेटेड और है उनकी एनर्जी जो है उसका ख़ास लेवल होना है हर एक्टिविटी के लिए और ये मोटिवेशन जो है वो उस भी पैदा कर सकते हैं और उनके वालदे भी उनको मोटिवेट रखने में मदद कर सकते हैं और मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रिलेटेड रही है जब भी आप बच्चे को किसी भी मौके पे मसलन हमें याद पड़ता है कि जब हमारे हम हमसे कोई गलती हो जाती थी तो हमारे वालदे हम हमें कहा करते थे कि भाई आप गलती से सीखते हैं गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे और कोई चीज़ टूट जाती थी तो वो कहते थे यस इसकी तो कोई एक उम्र थी इसने टूटना था लेकिन आपने इससे ये सीखा है कि आपको मजीद एहतियात से इसको कैसे पकड़ना है तो मतलब ये है कि हर नाकामी को भी कामयाबी बनाना जो है वो हमारे जो मेचोर एडल्ट हैं जो एजुकेटर्स हैं उनका काम है सो लीडर्स ऑलवेज रिमेन इन अ पॉजिटिव मूड तो जब आप उनकी इनक्रेजमेंट करेंगे उनकी उनको री करेंगे अच्छी चीज़ों पर और छोटी छोटी बच्चा जितना छोटा होता उतना ही उसको छोटा टास्क दिया जाता है उसकी समझ और अक़ल के मुताबिक और जब वो उसको कर पाता है तो उसको री किया जाता है इनक्रेज किया जाता है एवॉर्ड दिए जाते हैं रिवॉर्ड दिए जाते हैं मतलब तो आप कहते हैं शाबाश वेरी गुड वेल डन डन अ लॉट भाई बहुत अच्छे बहुत ज़बरदस्त आप ऐसा कह के अपने बच्चे को देखें और फिर उसके चेहरे पे आने वाली मुस्कुराहट को देखें वही पॉजिटिविटी है इससे उसके हर अच्छे काम करने का शौक बढ़ता है यही हमारे एजुकेटर को करना है कि बच्चों को टास्क इतने इतने दिए जाएं कि वो आसानी से उसको कर सके छोटे से सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स छोटे से छोटा टास्क से हम शुरू करेंगे और फिर जब वो उसमें पहली कामयाबी हासिल करेगा तो उसको बड़ी खुशी से अप्रिशिएट करेंगे यकीनन फिर वो दूसरी कामयाबी की तरफ शौक से जाएगा फिर दे शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट ये बहुत बड़ी खूबी है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है इसको जाहिर है ये पैदाइशी नहीं होती आप देखें ये बायोलॉजिकल नहीं है ये एनवायरमेंटल अचीवमेंट है उसको अगर ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा जहाँ ऑनेस्टी को ही प्रेज किया जाए ऑनेस्टी को ही एक्नॉलेज किया जाए और ऑनेस्टी को ही प्रमोट किया जाए तब वो ऑनेस्टी सीखेगा बार बार उसको प्रैक्टिस करवाई जाए और उसको लॉजिक्स बताए जाएँ और उसको बताया जाए कि देखें किसी की चीज़ को हम उसकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते कहीं पर हम झूठ नहीं बोल सकते वसाइल को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते ये ऑनेस्टी है जो सिंपल कॉन्सेप्ट ऑनेस्टी के आप अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के अंदर पैदा कर देंगे आने वाले दिनों में वो एक ऑनेस्ट लीडर बनेंगे और ऑनेस्ट लीडर्स की हमारी कम्यूनिटी को बहुत ज़रूरत है ये सारी चीज़ें गौर से देखनी है फिर हमने देखना है कि जी हमारा लीडर तो क्रिएटिव भी है तो क्रिएटिविटी के लिए उसको नए से नए इक्विपमेंट और चीज़ें दी जाएं और फिर उसके ऊपर उसको तरह तरह से सोचने की और करने की इजाज़त दी जाए अगर आप उसको बार बार टोकेंगे कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है या ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो फिर वो क्रिएटिव नहीं हो सकता क्योंकि जो एक्टिविटीज़ करने की हम उसको इजाज़त दें वो वो करे और जो हम इजाज़त नहीं दें वो नहीं करेगा तो उसकी सोच महदूद हो जाएगी फिर वो अपनी मर्जी से नहीं इसलिए अगर फर्ज करें क्रिएटिव राइटिंग ही आप करवा रहे हों तो आप उसको शुरू में ग्रामर की स्पेलिंग की गलतियों से आज़ाद करें और कहें कि जो कुछ उसके जहन में आता है वो लिखे या वो स्टोरी बनाए वट एवर ही और शी वांट्स टू डू वो करें ताकि उस वो सोचे कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उस पर नहीं हैं और वो आज़ादी से फ्रीडम से अपनी चीज़ें कर सकता है देन आवर यंग लीडर्स शुड बी फ्लैक्सीबल इन ऑल डिसंस उसको ये भी समझाना है कि हर वो ख्याल जो आपके जहन में आता है वो दुनिया के अंदर मुमकिन नहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं कुछ चीज़ें नहीं हो सकती और जो नहीं हो सकती उन पर कंप्रोमाइज़ करना है उनको किसी मायूसी या फेलियर का हिस्सा नहीं बनाना बल्कि आगे बढ़ना है दूसरी चीज़ों से दूसरी खुशियों से दूसरी कामयाबियों से उसको रिप्लेस करना है और इस तरह उसकी पर्सनैलिटी में कोई कमी आने नहीं देनी बल्कि हर कामयाबी और हर नाकामी को उसके लिए उसकी पर्सनालिटी के लिए एक प्रेजेंट एक्सपीरियंस ही बनना चाहिए तो ये लीडरशिप की सबसे बड़ी बात है कि हमने उसको क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लाना है